नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट तारा और आप देख रहे हैं मॉर्निंग शो विद तारा। और आपको पता है कि रोज़ाना आपकी सुबह अच्छी करने के लिए मैं आपके साथ अब आपको कुछ मेहमानों से मिलवाती हूं, आपकी अपनी फेवरेट पर्सनालिटीज़ से मिलवाती हूं, न्यू टैलेंट से मिलवाती हूं। तो इसी तरह आज जो हमारे मेहमान हैं हमारे शो के और आपके अपने शो के मेहमान जो हैं वो भी बहुत अच्छे और टैलेंटेड हैं और उनके जो काम हैं वो बड़े निराले हैं। वो अभी उनसे हमें जान के पता चलेगा भाई वो क्या करते हैं। और पावर से मैं आपको मिलवा रही हूँ, अब ये उनसे पूछेंगे हम भाई उनको पावर क्यों कहते हैं, आखिर पावर बोलने की वजह क्या है। तो वेलकम करते हैं आपको अपने शो पे। अस्सलाम वालेकुम। और गाइस जो दूसरे गेस्ट हैं उनका नाम है फाहद FMC। अब ये उनसे जान के मैं पता चलेगा भाई उनको ऐसा क्यों कहते हैं, आखिर ये बोलने की वजह क्या, ये तीन वर्ड में क्या बात है, ऐसी क्या खासियत है। तो उनको भी वेलकम करते हैं अपने शो पे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक अल्लाह। उम्मीद करती हूँ दोनों मज़े में होंगे। मॉर्निंग कैसी जा रही है आपकी? अच्छी जा रही है। और कराची का मौसम का क्या कहेंगे आप? आज कुछ बेहतर हुआ। आज मुझे लग रहा है कुछ सर्दी की हवा लगी है। आज मतलब पिशावर जो है ना, पिशावरी पहाड़ी इलाकों की साइड आज हवा ने जोर दिया, बर्फ गिरना स्टार्ट हो गई है ना कराची के अंदर। कराची के अंदर बर्फ कभी गिर ना जाए। नहीं, कराची वालों के हिसाब से। अच्छा जुनेद, पावर, आपको पावर क्यों कहते हैं? हाँ, ये मेरे से काफी लोग पूछते हैं मेरे इंस्टाग्राम वगैरह पे। तो बेसिकली मेरा काम है पावर स्टीयरिंग का, जो गाड़ी का स्टीयरिंग घुमाते है ना उस पावर स्टीयरिंग का। तो सब मेरे को जानते हैं जुनेद। तो मैंने अपना नाम फिर पावर ही कर दिया, जुनेद पावर, इसलिए पावर कहते हैं। मैंने नोट किया कि आपकी गाड़ियों के पीछे और बाइक्स के पीछे पावर लिखा होता है। हाँ, जुनेद पावर, वो मैं ही। तो इसीलिए पावर स्टीयरिंग का काम है, ये गाड़ियों के जो पावर स्टीयरिंग उसका काम है आपका? जी, उसका काम है, बिजनेस है। पावर नहीं गाड़ियों का पावर। अच्छा, ये जान, ये जिम विम भी करते हैं आप, मुझे लग रहा है कि इसका भी आपको कोई शौक है? बस ऐसी शौक में फिटनेस रखने का। जाहिर सी बात है, बाइकर हैं और ड्रिफ्टर, ड्रिफ्टिंग करते हैं गाड़ियों पर। और ये भाई सबसे ख़ास बात बताऊं कि जो संडे को ट्रैक लगता है, एक बार मैं वहाँ गई हुई थी और जुनेद पावर वहाँ आए हुए थे और मैं खड़ी हुई थी, इन्होंने अपनी गाड़ी से धुएं निकाले, धमाके मार के ये क्रॉस किया, मुझे बड़ा गुस्सा आया। मैंने कहा यार ये क्या है। तो लोगों की शादियों में जाते हैं, धमाके वमाके भी करते हैं, मैं वीडियोस देखती रहती हूँ। आजकल पब्लिक की डिमांड ही है ये। अच्छा, ये आपने मॉडिफाई जो गाड़ी की हुई है इसका क्या रीज़न है वो धमाकों की? मेरे को असल में बचपन से ही शौक था मॉडिफिकेशन का, स्पोर्ट्स का ना। तो 2007 में मैंने पहले तो 70 ली, फिर उसको बनाई, मॉडिफाई की। अच्छा। फिर थोड़ी सी स्टैंड किए, विलिंग करने लग गए। फिर बाइक से थोड़ा सा हट के हम फोर व्हील में आ गए कारों में ना। तो बाइक कैटेगरी में ना यहाँ लोगों को तंग, गवर्नमेंट जो है ना हमारी सपोर्ट नहीं करती। यहाँ ट्रैक लगता है, डंडे मारते हैं DHA वाले खड़े होते हैं। तो हमने बोला थोड़ी कैटेगरी चेंज करते हैं, तो हम गाड़ियों में आ गए। ठीक है, सही। फिर मैंने अपना काम स्टार्ट किया, मेरा काम है पावर स्टीयरिंग का। तो फिर जब मैंने देखा मेरे पास लोग आने लगे काम कराने, तो फिर मैंने अपना काम चेंज कर दिया, मॉडिफिकेशन में भी आ गया। अब गाड़ियाँ मॉडिफाई भी करता हूँ मैं, मेरे पास डेंटर, पेंटर, मैकेनिक, सारा काम दुकान पे अपना माशाल्लाह हो जाता है। अच्छा, आपकी शॉप किस साइड है? मेरी शॉप ये आयशा मंदिर मुक्का चौक पे, जुनेद पावर स्टीयरिंग के नाम से। और फहद FMC, FMC का क्या? पावर तो बता दिया। छोटी से फहद मोटर कस्टम। अच्छा, मतलब आप भी स्पोर्ट्स से बिलोंग करते हैं और FMC इसलिए कहते हैं? असल में हमारा थोड़ा डिफरेंट है बाइकों से लेके, कि एक आम बाइक है उसको हम लोग इतना लाइक नहीं करते। जैसे बाहर ममालिक में होता है कस्टम बाइक्स, कस्टम बाइक्स शो होते हैं बाकायदा, हमारे यहाँ अवेयरनेस नहीं है बिल्कुल भी इस चीज़ की। हम उसको प्रमोट कर रहे हैं, हम बिल्कुल डिफरेंट डिजाइन करते हैं हर चीज़ को। जो बोले बंदा कि नहीं हो सकता, हम वो करके दिखाते हैं वो पाकिस्तान में ही हो सकता है। कितनी बाइक्स आज तक मॉडिफाई की हैं? कुछ याद नहीं, भरपूर, बहुत, मेरे को कम से कम भी मॉडिफाई करते हुए 15 साल हो चुके हैं। मतलब कब से कर रहे हैं 15 साल? जब छोटे मैं बताऊंगा नहीं, बातें बताएंगे। अच्छा? नजर लग जाती है। हाँ, उम्र अच्छी है। अच्छा, तो काफी टाइम से आप ये काम कर रहे हैं? शौक तो बचपन से था, क्योंकि बड़े ये शौक था या बिजनेस था? नहीं, ये शौक था,
बिजनेस कुछ और था. अच्छा. हाँ, सब भाइयों को भी था तो हमें भी था. शौक से बिजनेस पे आ गई है. हाँ, अब आप. क्योंकि जब बिजनेस तबाह कर, फायदा है नुकसान है इसमें? शौक है. नहीं, फायदा होता है नुकसान होता है बिजनेस. अब ये बिजनेस बन गया तो फायदा भी होता होगा नुकसान भी होता होगा. फायदा नहीं कह सकते, नुकसान भी नहीं है. मतलब अपना शौक पूरा हो रहा है. शौक में इंसान कुछ तो कुर्बान करता है ना. ये तो है बस. तो जुनेद पावर, आपने क्या मॉडिफाई करवाई है? मैंने फाद भाई से अपनी जिक्सर 750 सुजुकी कंपनी की मॉडिफाई कराई. आई थिंक यस्टरडे उसकी ओपनिंग की आपने पोर्ट ग्रैंड में. कल आई वो ओपनिंग थी पोर्ट ग्रैंड में. आपने बताया नहीं अपनी ओपनिंग, बुलाया नहीं. वो रश इतना था, अच्छा हुआ आप आए नहीं, परेशान हो जाती. हम घूमती रहती गए. तो कैसी कैसी बनाई है, मॉडिफाई कैसी की? आपको हम दिखाते हैं पिक्चर है, वीडियोस वगैरह. वीडियोस में आपको हम दिखाएंगे. और 750 सीसी आप राइड कर लेते हैं? मैं हाँ माशाल्लाह राइड भी करता हूँ, और इंशाल्लाह अब स्टैंड का इरादा है, स्टैंड करेंगे. स्टंट्स करोगे? स्टंट्स में चोट लग जाए, गिर जाए फिर? नहीं, सेफ्टी के साथ. सेफ्टी के साथ. लेकिन भाई जो है फहद FMC, ये तो स्टंट्स भी करते हैं, व्हीलिंग वगैरह भी मैंने करते हुए देखा है. मैंने नेशनल लेवल पे रेसिंग भी करी है ऑफरोडिंग. अच्छा. अब रैली के अंदर, कलाम फेस्टिवल के अंदर फर्स्ट पोजीशन हासिल करी. माशाल्लाह. गर्ल्स के साथ रेसिंग की है कभी? तो भाई मैं जो है चैलेंज कर रही हूँ आपके साथ. मैं चैलेंज कर रही हूँ ऑन ईयर शो पे, चैलेंज कर रही हूँ कि फहद FMC को कि मेरे साथ जो है दो दरिया ट्रैक पर. हारना जीतना नसीब की बात है और वो बड़ी बात नहीं होती, लेकिन करनी है आपके साथ रेस. होगी स्टंट्स नहीं करती मैं अभी. मुझे आप सिखा देंगे. हाँ, व्हीलिंग करना मुश्किल है, आसान है? आसान है, पर सेफ्टी फर्स्ट. सेफ्टी गियर्स. अब हमारे यहाँ पे जो ज्यादातर एक्सीडेंट वगैरह लोग कहते हैं ये खतरनाक है, ये वो, ऐसा कुछ भी नहीं है. पूरी दुनिया में स्पोर्ट्स है, स्टंट होते हैं पूरी दुनिया में, बाकायदा मुकाबले होते हैं, शोज होते हैं. हमारे यहाँ पे हर चीज को, बस जो चीज अच्छी होगी ना उसको गैर कानूनी, लोगों के मतलब की नहीं है. आप अवेयरनेस दें, जगह दें प्रॉपर, नहीं देते. ट्रैक लगता है आपका कोई? जी, संडे को हमारा MR ट्रैक लगता है इवनिंग. इवनिंग पे कहाँ लगता है ये मुझे भी बताएं आप. अच्छा, आना चाहेंगे आप? बिल्कुल, मैं वहाँ आके कवर करूंगी. हम हर संडे जाते हैं वहाँ, 4 बजे से तकरीबन 8 बजे तक वहीं होते हैं. अच्छा, कितनी बाइकर्स होते हैं? बाइक के तकरीबन 30-35 होती हैं. अच्छा, और भी लोग आए हुए होते हैं वहाँ. तभी तो मुझे किसी बंदे ने कहा था कि मैं एक बार दो दरिया गई हुई थी एक होटल पे, मेरे अंकल का होटल है, मैं वहाँ बैठी हुई थी. उन्होंने मुझे कहा यार ये संडे वाले दिन ना दिल नहीं चाहता होटल खोलने का. मैंने कहा क्यों? बोला बाइक्स वाले आते हैं, इतनी भीड़ देते हैं, सर खा जाते हैं. नहीं, बाइक वाले बदनाम नहीं, बाइक वाले बाइक वाले बता, गाड़ी वाले धमाके मारते हैं, धमाके मारते हैं. इसमें हम ऑब्जेक्शन. मैं आपको जरूर अपनी इस जो है शो पे जुनेद पावर की वीडियो भी हो सका तो मैं शेयर करूंगी. इनके आप बस धमाके देखिएगा, पता नहीं ये कैसे करते हैं, मुझे भी थोड़ा सिखाएं. एक बटन होता है गाड़ी में? कोई नहीं, बटन नहीं होता. हमने इसमें ECU कार्ड बाहर से मंगवाते हैं. अच्छा. हाँ, जो अंग्रेज यूज करते हैं अपनी गाड़ियों में, हम वो ऑनलाइन मंगवाते हैं, अपनी गाड़ी में लगाते हैं, फिर उसको कंप्यूटर से ऑनलाइन सॉफ्टवेयर डलवाते हैं, फिर वो एक्सीलेटर पे आते हैं धमाके. वो जो बटन से करते हैं ना, वो लोग फायर किट लगाते हैं, प्लग लगाते हैं, सही, उससे जो है ना आवाज सही नहीं. ये कैसा शौक है धमाकों का? बस एक शौक है, शौक शौक की बात है. नहीं, ये धमाकों का कौन सा शौक है? ये मतलब किसी को देख के हुआ था, इम्प्रेस किसी से हुए थे या खुद ही? ये मतलब हमने बाहर गाड़ियां देखी थी अंग्रेजों की, उनकी गाड़ियों में सब में लगे हुए थे, तो हमने भी, हमारा भी दिल चाहा कि हमारे पास भी ये गाड़ी है, हमारी गाड़ी क्यों नहीं करती. तो फिर हमने उसका पढ़ा, सर्च किया, तो फिर हमने मंगवाया सामान, अपनी गाड़ी में इंस्टॉल किया, तो माशाल्लाह परफॉर्मेंस भी आई, गाड़ी की स्पीड भी तेज हुई. अच्छा, मुझे ये बताएं कि ये धमाके जब करते हैं लोग गालियां देते हैं या अप्रिशिएट करते हैं? कुछ लोग अप्रिशिएट करते, जैसे हम ऑटो शो में गए. हाँ, वहाँ तो हमारा, वहाँ तो लोग खड़े हो जाते हैं वीडियो के लिए. तो वहाँ पे सिर्फ वही लोग थे जो अप्रिशिएट करते हैं, जो शौक करते हैं, जो ये शौक करते हैं. तो आपको देख के किसी ने किया है, करवाया है? मेरी तकरीबन ग्रुप की 15-16 गाड़ियां हैं, टीम पावर के नाम से हमारे ग्रुप. अच्छा. सब गाड़ियों में माशाल्लाह धमाके हैं, धमाके लगे हुए. जब ये 4-5 गाड़ियां इलाके में बजती है ना, तो पुलिस आ जाती है वहां, फिर मुंह देना नहीं है. एक बार ये हुआ था, एक बाइकर था, हम वहाँ खड़े हुए थे, तो पुलिस आई ना, वो बेचारा हेलमेट भी मेरी गाड़ी की छत पे छोड़ के गया. बोला पुलिस आ गई. मैंने कहा अरे हेलमेट तो लेके जा. बोला नहीं, बाद में ले लूंगा. तो पुलिस वाले तंग करते हैं. कितनी प्यारी हकीकत बोली, अब हमारे यहाँ पे बाइकर की क्या वैल्यू. अरे बस पुलिस वाले तंग करते हैं. मैं अब क्या कह सकते हैं, गवर्नमेंट है ना, गवर्नमेंट भी इसलिए कहती है, रश लग जाता है. आप लोग वहाँ जाते हो, बेचारे जो जिनके शौक होते हैं गाड़ियों का, बाइकों का, वो देखते हैं आप लोगों को, इम्प्रेस होते हैं, खड़े होते हैं, वीडियोज बनाते हैं.
क्राउड आ जाता है, उनका भी ये रीजन होता है मेरी नजर में। अब मेरे पास तकरीबन मैसेज आते हैं इंस्टाग्राम पे कि यार हमारी भाई की शादी है, अपनी गाड़ी लेके। अरे हाँ, ये कैसा लगता है जब तो फिर हम बोलते हैं यार अपनी गाड़ी हमने इसलिए थोड़ी रखी है। तो उन्होंने बोला हम आपको पैसे देंगे यार, आप लेके आओ। मिला यार चलो मोहब्बत में आ जाएंगे। वह जहाँ हम जाते हैं फिर हम उसको बोलते हैं भाई गवर्नमेंट को आप संभाल लेना, हम आ जाएंगे। वो बोलते हैं हाँ टेंशन ले लो। फिर तो हम जाते हैं अपनी गाड़ी एंजॉय करते हैं, अगले की शौक और खुशी को पूरा करते हैं, पूरा कर देते हैं। तो कितनी शादियों में जा चुके हो? अभी नहीं ऐसे तो गिनती में है ही नहीं। अच्छा, 30 साल हो गए उम्र हमारी। नहीं भागत कम बता, शादियां तो कम बता तो शादियों में तो बहुत गए हैं लेकिन अपनी खुद की नहीं हुई अभी तक। मतलब अपनी अपनी शादी में आपको जो है आप मुझे बता दीजिएगा, मैं धमाकों के लिए आ जाऊंगी। मुझे जरूरी है वो तो जरूरी है। तो शादियों में क्या लोग इम्प्रेस होते हैं? बहुत इम्प्रेस होते हैं इससे, और बच्चे बहुत खुश होते हैं। आजकल मोटर स्पोर्ट्स का दौर आ गया है, वैसे पहले इतना नहीं था, अब ज्यादा आ गया है। कितनी गाड़ियां आपके पास? 15-16 गाड़ियां ग्रुप में। अच्छा। और मेरे अपने पास तो ये माशाल्लाह RX-8 है, वो जो आपको दिखाएंगे। RX-8 बहुत अच्छी है, आपने इसको मॉडिफाई बहुत जबरदस्त किया है। उसको मॉडिफाई हमने, उसमें 1300 cc इंजन आता है, हमने उसको 3000 cc करा है और स्पीड बढ़ाई। अच्छा। और उसमें यही नेपट्यून कराई है, धमाके शमाके उनकी, मतलब डेली ड्राइव भी है, रेस भी करते हैं उसपे। उसमें माशाल्लाह 3 races जीत चुका हूँ मैं, 3 races जीते हैं। कराची की फास्टेस्ट RX-8 है मेरे पास। अच्छा। उसके बहुत अच्छे पैसे मिलते हैं, मैं नहीं देता क्योंकि वैसी गाड़ी कराची में नहीं है अभी तक। नहीं है, शौक की गाड़ी बनाई हुई है। और जो शौक की चीज बनाते हो तो उसको बेचने को दिल भी नहीं करता। लेकिन क्यों, रात दिन एक करके बनाइए, काम छोड़ना पड़ता है, घर से लड़ना पड़ता है। अच्छा, फैमिली का क्या रिएक्शन होता है जब? फैमिली तो परेशान है कि गालियां देती है बैठती बात है वो तो मेरे शो पे जो गेस्ट हुए आया है, चाहे वो टिकटॉकर है, जिसका कोई भी प्रोफेशन है, वो कहता है कि भाई फैमिली तो हमें गालियां देती है, उनकी कोई इज्जत नहीं है। बाहर इज्जत है तो इसलिए घर पे कहाँ होगी अब। हाँ ये तो है। और आप जो है घर पे भी बनानी पड़ती है, थोड़ी सी हो जाती है भरम बोल, घर पे भी इज्जत है, घर वाले भी देखेंगे ना, घर पे खाना नहीं मिलेगा भाई, बीवी बच्चे ख्याल रखते हैं और क्या चाहिए। सही बात है। आप मुझे ये बताएं कि आपका जो मतलब बाइक्स का शौक है, क्या आप भी गाड़ियों की साइड है, गाड़ी भी मॉडिफाई करते हैं? मैं वैसे सिर्फ बाइक्स 70 मॉडिफाई की है, कभी 50 करी है। 50 हमने कोई आइटम बाहर से नहीं मंगाया। अच्छा। प्योर मेड इन पाकिस्तान है, हर चीज हमने यहाँ खुद बनाई है उसकी, जबकि जो एक दो गाड़ियां हैं यहाँ पे स्टंट मशीन है, वो लोगों ने सब बाहर से सामान इंपोर्ट करा है। ऐसा ही है, हमने सब खुद डिजाइन करा है, यहाँ पे अपना बनाया। आपकी शॉप किस साइड है? मेरा गार्डन, गार्डन में जी, वहाँ पे सारा काम वाम होता है। घर भी वहीं पर है, शॉप भी वहीं पर है, और घर पे कम शॉप पे ज्यादा होता हूँ। कुछ बाइक की बताएं कि कौन कौन सी वैरायटीज हैं, अभी आपको दिखाते हैं तस्वीरें वगैरह। अच्छा, कुछ वैरायटीज, कोई नाम जो आपकी फेवरेट हो? फेवरेट मैं तो हर बाइक जब भी बनाई वो फेवरेट हो जाती दिल से, है नहीं दिल से बनाई है असल में, अपनी 50 से लेके 125 हर बाइक, यानी कि कोई लिमिट नहीं रखी। इंशाल्लाह जीपों में भी आने का मूड है मेरा कि फोर व्हील की तरफ भी आऊं और वो सब करें जो कि लोग बोलते हैं नहीं यार ये पाकिस्तान में नहीं होगा, वो करके दिखाना है कि हाँ भाई यहाँ टैलेंट है, यहाँ सब कुछ हो सकता है। ऐसा ही है पावर। ये कल आपने जो अपनी ओपनिंग सेरेमनी की बाइक की, तो लोग इम्प्रेस हुए? बहुत इम्प्रेस हुए, मतलब 1000 बाइकें आई हुई थी वहाँ। अच्छा, 1000 में वो एक ही दिख रही थी। जाहिर सी बात है उसकी ओपनिंग सेरेमनी थी, और कस्टम और स्टंट मशीन, पहली स्टंट मशीन जो कस्टम थी। अच्छा, हमने कुछ सामान बाहर से नहीं मंगाया और फुल कस्टम। क्या रिस्पांस मिला है आज कल से आज तक? माशाल्लाह लोगों ने देखा, मैंने टिकटॉक पे भी वीडियोस लगाई, अभी मैंने देखा उस पे 2500 व्यूज आए, बहुत अच्छा रिस्पांस आया है भाई। लड़के तो 1000 व्यूज पे भी खुश हो जाते हैं ऐसा ही है ना, छोटे मोटे लोग हैं इस पे। लेकिन पावर से ये भी पूछेंगे, पावर मैं आपकी वीडियोस टिकटॉकर्स के साथ भी देखती हूँ, काफी फेमस हैं, आर्टिस्ट के साथ होती हैं, सेलिब्रिटीज के साथ होती हैं, आप उस साइड थोड़ा क्यों नहीं है, स्पोर्ट्स की साइड क्यों है? मेरा शौक है ना, मैंने बताया बचपन से मेरा शौक है स्पोर्ट्स का, टिकटॉक का इतना नहीं था, बस ये मेरे को मिल गए दोस्त यार, मुश्तफा लखानी, वाजिद भाई, इन लोगों के साथ मेरा उठना बैठना, इन्होंने बना के बोला चलो यार तुम भी टिकटॉक यूजर बन जाओ। हाँ, तो इनको देख देख के थोड़ा शौक उठा, बोला तू अपनी अच्छी घूमता है, आउटिंग करता है, वीडियो। अच्छा, मैंने अभी अभी इसको बताया, इसने गाड़ी की ड्रिफ्टिंग की टिकटॉक पर डाली, मैंने कहा वो वायलेशन आ चुकी है पावर के पास, मैंने कहा अकाउंट बैंड हो जाएगा, ये गुरेज करो, लोगों को क्या मैसेज दे रहे हो कि मैं पूरी गाड़ी घुमाता हूँ। तो भाई इससे
भी थोड़ा ख्याल करो, बनी बनाई एक टिकटॉक अकाउंट बैंड हो जाएगा। अच्छा, अगर हो गया फिर क्या करोगे? फिर क्या दूसरा बनाएंगे? मतलब ऐसे नहीं होता कि यार इतने फॉलोअर चले जाएंगे, फॉलोअर का क्या है, दोबारा आ जाएंगे ड्रिफ्टिंग कर करके। अच्छा, हमें मॉडल स्पोर्ट्स का, आप भी हैं सोशल मीडिया की साइड? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बहुत दूर, बहुत दूर। पावर शॉप बंद होने के बाद सिर्फ बीवी बच्चे, कुछ भी नहीं। इसके सोशल मीडिया को टाइम भी दें थोड़ा, अगर आपके पास एक टैलेंट है। मसला ये टाइम ही तो नहीं है एक। अच्छा मुझे ये बताएं, आप दुकान पे देंगे फिर बीवी बच्चों को नहीं देंगे तो बेगम मारेगी, बोलेगी बस मेरे पास मेरे लिए टाइम नहीं है। ऐसा ही बोल रहे हैं ये, हर जो है ना जो मैरिड होता है उसकी शिकायत है। वैसे भी आपको पता है वाइफ को तो आप दिल गुर्दे भी निकाल के दे दो तो उसने तो एक ही बात बोलनी है, बोला भाई कि तुमने तो कुछ किया ही नहीं, प्यार ही नहीं करते हो। सुन ले तो आज आप मुझे ये बताएं, एक बाइक कितने दिन में बन जाती है आपकी? एक बाइक महीना भी लेती है, ये काम पे होता है, डेढ़ महीना भी लेती है। अच्छा हाँ, और पावर की बाइक कितने दिन में तैयार किया? हाँ, ये सवाल किया है, बहुत जबरदस्त सवाल किया, ये एंड कर दिया। क्योंकि मतलब तालियां, पहले मेरे लिए तालियां तालियां, ये एंड कर दिया तुमने। क्योंकि पावर का ये सब्जेक्ट था वो बड़ा अजीब और गरीब था। अब क्योंकि बाहर से सामान मंगाना ही था, पर हमने बोला नहीं हम नहीं मंगाएंगे, मतलब ये गाड़ी हम यही टोटल एक एक नट बोल्ट इसका यहीं से बनाएंगे। अच्छा, खुद तैयार करेंगे इसको, तो उसमें हमारे को 2 महीने लग गए। 2 महीने हाँ, जबकि अब देखने वाला तो बोलेगा यार कुछ भी नहीं है यार, बहुत टाइम लग गया, पर जो काम होता है उसकी डिटेलिंग होती है, छोटी छोटी चीजों को देखा जाता है। और मेरी बाइक है, मैं बताता हूँ, उसमें सामान जो लगाया ना फाद भाई ने, वो ऐसा लग रहा है कि बाहर से ही मंगाया, कोई यकीन नहीं करेगा, लेकिन उसकी वीडियो मैं दिखाऊंगा सारी, जैसे बनाते वक्त की सारी हमने कलर चलर जो किए ना, ऐसा लग रहा है कि हमने कलर कौन सा करवाया है उसमें, हमने कौन सा कलर करा? मैट ब्लैक, मैट ब्लैक है टंकी पे, और कार्बन और फ्लोरोसेंट येलोश ग्रीन का टच दिया है। अच्छा, मतलब पाकिस्तानी के बनाई है मतलब। हाँ, और उसमें सामान भी यूं लगाया हमने अपने पास से, कल को कुछ खराब होता है ना तो हम खुद कर सकते। हाँ, मोहताज की नहीं, मोहताज की नहीं, ऐसा ही है अपने पास। आपकी गाड़ी, आपकी बाइक जब खराब होती है तो आप फाद भाई के पास ही आते होंगे? फाद भाई के पास जरूरी है, 15 इमरजेंसी फौरन फाद भाई हो गया तो वो बताते होंगे टेंशन नहीं है मैं बना दूंगा। लिया टेंशन, आपने ये खुराक खा लेना। अच्छा, आपने ये कहाँ से सीखा मॉडिफिकेशन? सिर्फ शौक से। अच्छा, हाँ। अच्छा, मजे की बात, फाद भाई के उस्ताद भी नहीं है, लेकिन टैलेंट शो को कहते हैं ना, हुनर आंखों से मिल जाता है अगर अकल हो तो आपके पास। ऐसा ही है, तो बस हमने कुछ इंटरनेट से सीखा, कुछ रिसर्च करी बस खुद ही। हाँ, अच्छा, स्टंट्स किसी को सिखाए हैं? स्टूडेंट्स हैं कोई आपके? बहुत सारे थे, अब क्योंकि शादी के बाद बिल्कुल छोड़ दिया था ये सब। हर बात में फाद भाई की ये शिकायत है, शादी के बाद मैंने सब चीज की जाती है ना, वो हकीकत बता रहा हूँ। हाँ, सही बोल रहे हैं, आपकी ये फैमिली देखेगी। और पावर आपने शेयर करना है लिंक, मैं तो दूंगा लाजमी दूंगा। नहीं तो हकीकत है वो तो। कितने स्टूडेंट्स को सिखाई होगी? 20 से 25। क्या स्टंट्स व्हीलिंग वगैरह सिखाई है? और वो ट्रेंड हो गए अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छे अच्छी करते हैं, आते हैं बीबी उस्ताद उस्ताद बोलते हैं फाद भाई को, और अच्छे स्टंट करते हैं। बस वही कि हमारे यहाँ पे वो एक अच्छा स्पोर्ट्स है, बोलते हैं नहीं ये स्पोर्ट्स नहीं है इसमें खतरा है, तो खतरा में मेरी नजर में तो हर गेम में, हर चीज क्रिकेट में भी लोग मर गए बॉल मरने से लगने से। ऐसा ही है, सेफ्टी प्रिकॉशन जरूरी है क्या? सेफ्टी होनी चाहिए वो तो जरूरी। सेफ्टी प्रिकॉशन में क्या क्या होता है? हेलमेट होना चाहिए, नी गार्ड वगैरह, यानी कि टोटल आपकी जो किट होती है कम्प्लीट होनी चाहिए आपके पास, तो कोई ऐसी बात नहीं है। फिर बाइक लेने से पहले फाद भाई ने मुझे पहले जैकेट दिलाई, मैंने इसको भी पहले पूरी किट मिलना नहीं भाई, पहले किट उसके बाद प्रैक्टिस। अच्छा हाँ, क्योंकि तू चाहिए हमें बाइक नहीं चाहिए। ऐसा ही है, सही है, जान इंसान की ज्यादा पहले है। और हमारे यहाँ पे अगर देखा जाए तो जो एक्सीडेंट वगैरह है वो ये बड़ी बाइकों पे थोड़ी होती है, 71 to 54 पे ही होते हैं सबसे ज्यादा। अच्छा, आप 70 वालों के लिए क्या कहेंगे जो जिस तरह हैवी बाइकर्स को देख के उनमें थोड़ा जोश आ जाता है तो काफी नुकसान के लिए? तो मैं एक ही बात कहूंगा भाई के सबर करो, जज्बाती नहीं हुआ करो। हाँ, जज्बाती हो जाते हैं उनके चक्कर में, वो जो जैसे घुसते हैं ना इधर उधर से आके, उनके चक्कर में दूसरे का भी एक्सीडेंट होता है। ऐसा ही है, मैंने काफी ऐसे एक्सीडेंट देखे हैं जो हैवी बाइक्स को देख के 70 वाले विलिंग कर रहे हैं, वो ट्रेंड नहीं है, प्रोफेशनल नहीं है, और वो गिर जाते हैं, मर जाते हैं। नहीं होती उनके पास कोई हेलमेट नहीं, कुछ भी नहीं, अब वो बोलते हैं यार मेरे पास 125 है, उसके पास 1000 cc है, मैं उसके बराबर से निकल गया ना, वो मजे मजे से चला रहा है बेचारा अपने मस्ती में, बराबर से निकल जाते हैं, बोलते हैं मैंने यार 1000 को हराया है, पता है आते भी कैसे हैं, लेट के चला रहे होते हैं, हाथों से घेर मार रहे हैं, बस इसको पकड़ लूं, बे भाई ब्रेक नहीं है तेरे पास, यही हो रहा है, वो चिंगारियां निकल रही होती है बकायदा खड़ी होती है नीचे से, बस जज्बात में बोलते बस
मर जाऊंगा और ऐसे बहुत एक्सीडेंट्स हुए हैं। ये जो भी डीएचए वाले बेचारे खड़े होते हैं इसीलिए होते हैं 70 वालों की वजह से, इन लोगों के चक्कर में ये बदनाम हो रहे ना। लेकिन मैं ये बताऊंगी कि हैवी बाइक वाहिद चीज है, पावर लोग वाहिद हैं कि ट्रैक वो वाला बंद करेंगे तो कहीं भी जगह खड़े होंगे और ट्रैक ऑटोमेटिकली लग जाता है, क्राउड खड़ी हो जाती है धमाकों से, व्हीलिंग से क्राउड आके वीडियोस बनाती है और ट्रैक ऑटोमेटिकली लग गया। अपना ग्रुप माशाल्लाह इतना बड़ा हो गया, इतना बड़ा सर्कल हो गया, स्टेटस लगाते हैं और अपने जो सर्कल के लोग हैं ना वो फौरन पहुंच जाते हैं मीटअप पॉइंट पे। मुझे भी बहुत बार दावत दी आप लोगों ने मगर मैं आ नहीं सकी, पता नहीं क्यों। आपको तो कल भी बुलाया था पोर्ट्रेट में हमारी बाइक की ओपनिंग, लेकिन ओपनिंग हम आपसे करवाते अरे तो व्यूज अभी ज्यादा बढ़ जाते। लेकिन भाई ये पता है फाद, इसने गलत किया ना, इसने मुझे पहले बताना था। हाँ हमें पता नहीं था कि बाइक बन जाएगी, 4 बजे शो था, नहीं पता था बाइक तैयार हो जाएगी, अचानक हुई है ये शो अचानक। 3 दिन में जो हमने दिन रात यानी कि मेहनत करी है ना, जो बात है। और मैंने ये देखा कि एक ओपनिंग सेरेमनी में लोग पासेस खरीद के बकायदा आए हैं पावर की बाइक को देखने के लिए, भाई क्या चीज बनाई है, किस चीज की ओपनिंग है, आखिर हम भी जाएं। लोगों ने अपने 300 रुपए जलाए हैं। बाकी मेरे कितने फैन आए मेरे पास, पास बहुत सारे थे, मैं मैनेजमेंट में भी था, काफी लोगों मैंने अपने जो मेरे फैन थे ऐसे ही लेके आया हूँ। अच्छा, जो मेरे फॉलोवर थे वो मेरे आए मेरे पास। फैंस के क्या रिएक्शन होते हैं आपसे जब मिलते हैं? तस्वीरें खिंचवाते हैं, मेरे को दिल खुश होता है। आप बोलते हैं कल ऐसे ही हुआ, अच्छा बाइक के साथ तस्वीरें ली पावर भाई एक पिक्चर, मैंने बोला आजा भाई। मेरे अंदर से खुश रहा, मतलब ऐसा भी होता है। यार वो हम लोग एक जगह जाते हैं ना, आर्टिस्ट होते हैं तो अगर एक आर्टिस्ट के साथ पिक्चर, कल मैं गई हुई थी एहसन खान की ब्रांड ओपनिंग पे, तो मेरे साथ 3-4 पिक्चर्स ली और फातिमा इतनी मशहूर है वो पोइट्री करती हैं, उनके साथ कोई ले नहीं रहा था। अब वो सिंधी कम्युनिटी मुझे जानती है क्योंकि मेरा सिंधियों में ज़्यादा फेम है, बोल रही अबे यार इसको बोला हम भी आर्टिस्ट हैं हमारे साथ भी ले। मैंने कहा ये खुशी हमें पूछो क्या होती है कि जब कोई आपको लाइक करता है तो अच्छा लगता है। फाद भी कभी आपके साथ ऐसा हुआ है? बहुत। अच्छा हाँ, एक वक्त था कि ट्रैक पे हम भी जैसे अभी जुनैद भाई हैं इस तरीके से हम थे, पर सोशल मीडिया वगैरह था नहीं, पर फॉलोवर भरपूर थे उस टाइम, बहुत भरपूर बहुत थे विदाउट सोशल मीडिया के भी, और अब भी होंगे नो डाउट हैं माशाल्लाह बहुत हैं अभी भी, पर ये कि अब थोड़ी सी कैटेगरी चेंज हो गई है। अभी भी कभी ट्रैक पे जाते हैं पुराने अंदाज में? बहुत माशाल्लाह बहुत सारे दोस्त यार मिलते हैं सब। पुराने अंदाज में गए हैं कभी? नहीं नहीं पुराने अंदाज में नहीं गए मैं। अभी डर लगता है या केयर करते हैं? नहीं 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 ये ऐसी कोई बात फिर बस ऐसे ही, अब इंशाल्लाह जाएंगे। अब वो शौक मर गया है? हाँ ये कह सकते फिर बोलेंगे फाद भाई एफएम से शादी के बाद शौक। वो जैसे कि पहले राइड का था कि ऑफरोडिंग करनी है, ऑफरोडिंग बहुत टाइम तक मैं ऑफरोडिंग में रहा, फिर स्टंट में रहा, तो अब ये नहीं, अब मॉडिफिकेशन का ज्यादा शौक है। पावर इस बाइक के बाद कोई और बाइक का सोचा है? इंशाल्लाह बाइक चेंज करेंगे, अभी पहले इसको चला लें, हाथ सेट कर लें, अपना भी प्रॉपर नहीं है। अच्छा आपका ज्यादा गाड़ियों पे हाथ सेट? ज्यादातर गाड़ियों पे हाथ सेट है, गाड़ी तो हमें कहीं से भी दे दो हम निकाल लेते हैं बाइक का तो मुझे भी बड़ा शौक है, आपको पता है बाइक जो है ना कहीं साउंड आ जाए बस वही कहते हैं। एक बार ऐसा हुआ कि वो साउंड आया, मैंने कहा यार ये बाइक का साउंड है, मैं देख रही हूँ सुजुकी जा रही है, मुझे ऐसा बुरा लगा, मैंने कहा मैंने इतना खुश हुई कि कोई हैवी बाइक जा रही होगी, वो सुजुकी थी, कोई ऐसा हुआ? अभी एक शॉट नहीं चला था, वो बंदा पिज़्ज़ा निकाल रहा होता है ओवन से और साउंड आता है, वो फौरन खिड़की पे चिपक जाता है, बाइकर का यही होता है, वो बेचारा लेटा हुआ भी हो ना बिस्तर पे और अम्मा बोल रही है बेटा उठ के पानी पिला दे, वो नहीं बोले नहीं अभी नहीं उठ रहा, उसको बाहर से आवाज है बाइक की, वो उठ के भागेगा कौन सी बाइक गई है, बाइक का रिस्पॉन्स था। लेकिन यार मेरा ये होता है ना, मुझे साउंड की आवाज आती है लेकिन वो अक्सर सुजुकी ही निकलती है और बड़ा दिल जलता है, बड़ा दिल जलता है यार तुम लोग ये साउंड चेंज कर लो, ये हैवी बाइक के साथ सूट करता है। बाइकर बड़े परेशान है सुजुकी वालों की वजह से, बेचारे आधी रात को भाग कर आ जाते हैं कौन सी गाड़ी। तो भाई अभी हम एक छोटी सी गेम खेलेंगे, हमारी बड़ी शो की जो है ना ये शान है गेम, हम कुशन जो है पिलो वाला खेलते हैं, कोई गाना सुनाना होगा अगर आप पे कुशन आया, गाना वाला जिस पे गाना रुक गया कुशन, बस दो लाइन सुनानी होगी और हम डायरेक्टर साहब को कहेंगे कि हमें कुशन प्रोवाइड कर किया जाए, कोई कुशन दे हमें मैं पीछे सुनाने का। मेरे को तो एक ही गाना आता है, क्या बात है क्या बात है। आज आपको मैं स्पोर्ट्स से निकाल रही हूँ थोड़ा, आज पिलो पिलो खेलेंगे। म्यूजिक की तरफ? म्यूजिक की तरफ भी है, म्यूजिक की तरफ है लगाओ, म्यूजिक की तरफ हाँ थोड़ा बहुत है। अच्छा गाने गाते हैं आप, सिंगिंग करते हैं? गाने तो कभी नहीं गाए, डांस बोलो, इतना भी सुरीला नहीं हूँ। आप आज साउंड से है क्यों नहीं, मोहब्बत है साउंड से, जूम 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 बाइक के साउंड से पकड़ो।
पावर पे रुका है यार, फहद की बारी आएगी, तुम मैं डायरेक्टर को तुम आंख मार दो, वो सारा देख रहा है। मेरे को क्या सुना कुछ, कुछ भी सुना दो, दो चार लाइनें यार, कुछ भी सुना दे। अरे यार कुछ सुना दो यार, क्या क्या बातें सुना दो, क्या बात है। नहीं गाना सुना ना, सुर में नहीं आता गाना। खैर सुना दो, कुछ भी नहीं आता, कुछ तो सुना, RX8 का साउंड सुना दे। RX8 हाँ, उसका टर्बो का साउंड सुना दे। अरे सुना दो ये क्या गाना। नहीं पावर, म्यूजिक तो दो फिर थोड़ा सा। हम साथ हैं, चल तू गाना आप शुरू करो, हम साथ हैं, हम साथ हैं ना पीछे से, हम साथ साथ हैं। नहीं देखा, कोई सा भी गाना कर ले तो चल। अभी गाना थोड़ा सा पीछे से बताओ, कौन सा गाना फिर हम गाते हैं। क्या बात है वे चिट्टा, क्या बात है, क्या बात है भाई चिट्टा, क्या बात है। कल दस अबे यार कुछ यार देखो गाने के अंदर यार, मतलब मेरे सामने आके ये बन रहा है पावर। हम ऐसे हम शो ही नहीं खत्म कर रहे, गाना सुना दो हमें, शो भी खत्म कर रहे हैं, कोई सा भी सुना दो। नहीं आ रहा गाना भी जहन में, नहीं आ रहा, थोड़ा सा जहन में भी नहीं आ रहा। कोई आप बताएंगे, गाड़ी में भी सुनता आया हो। लगी आग सावन इतने पुराने गाने, कोई नया बता दे। हमारी कंपनी तो मुझे खुद ही आती है। टिकटॉक बनाते हैं, कोई टिकटॉक का ही सॉन्ग ट्रेंडिंग सुना दें। ट्रेंडिंग सॉन्ग बिल्कुल भी ध्यान में, हम शो ही नहीं खत्म कर रहे। आपको शेर सुना दें, कोई डायलॉग बोल दें जो आपको अच्छा लगता हो। तू आके देख ले ओ तेरी मैंने रातें कितनी सारी, तेरी यादों में गुजारी सोनी है, सोनी है, तू आके देख ले। क्या बात है, शुक्र है गाना हो गया, नहीं तो हम तो क्या बात है। पावर मोबाइल उठाओ, 13 प्रो मैक्स जो कि नमान भाई की शॉप से खरीदा गया है, ये 13 प्रो मैक्स नमान भाई आपने इनको दिया, गिफ्ट किया है, सुनने में आया है, पैसों का लिया है, सारे पहुंच जाएंगे। अच्छा चलो भाई स्टार्ट है, सॉन्ग लगाएं। तारा भी रुक गया, फहद एफएमसी जब वहां उड़ा था ना हवा में बज रहा था। फहद एफएमसी इन पे आके रुके और ये भी कुछ सुनाएंगे हमें गाना। अभी आप जो इनको एडवाइस दे रहे थे ना, पसीने निकल रहे थे मेरे। नहीं नहीं यार, नहीं याद कर रहा कौन सा वाला। अभी आपने इनको एक एडवाइस, इतने सारे गाने आते हैं हां, अभी नहीं आ रहे। अभी जो तुम मुझे बोल रहे थे वही सुना दो। नहीं नहीं नहीं, बरसात के मौसम तेरे को देखा अभी कैसे लग रहा। लगी आग सावन के फिर वो जड़ी है, क्या बात है, वो ही आग सीने में फिर जल पड़ी है, के ये तो है ख्वाबो ख्यालों की बातें। बहुत अच्छा हो गया और बेहतरीन हो गया, और मेरी टर्न आती नहीं है क्योंकि मैं होस्ट हूँ भाई। तो मैं क्या करूँगी, आप लोग करना है वैसे टिकटॉक बनाएंगे आपके साथ। हाँ चलो टिकटॉक बनाती हो, बस भाई टिकटॉक भी बनाएंगे अभी। तो आप अपने अपने फैंस को कुछ मैसेज दें जो आपके पैशन से प्यार करते हैं या जो आपके पैशन से प्यार करते हैं, उनको क्या मैसेज देंगे। उनको मैसेज देंगे ये अपना कि अपनी माशाल्लाह मेहनत करें, हमने भी जैसे मेहनत की है ऐसा ही है, और मॉडल स्पोर्ट्स अच्छा शौक है लेकिन उसको शौक की हद तक करें, नशा नहीं बनाएं उसको। बहुत से लोग नशा मतलब बना लेते हैं फिर वो देखते नहीं है कैसे चलानी है क्या करना है, वो फिर नुकसान अपना खुद करते हैं। भाई ये मैसेज है फादर एमसी एफएमसी। यार ये जो नए लड़के हैं खासतौर से 70-75 वाले ना, इन लोगों के लिए कि यार शौक करो एक लिमिट तक, अपने माँ बाप का ध्यान रखो बस, उनको सोचा करो कि यार वो भी हैं घर पे, और ये जो रेसे वगैरह होती हैं ये ना करें, स्टंट सेफ्टी के साथ वो करें बस, और शौक करें डिफरेंट,
ऐसा ही है। हाँ। आपका शुक्रिया मैं अदा करती हूँ, आप लोग आए मेरे शो पे, अपना कीमती वक्त निकाला, और बारिश के मौसम में भी आप लोग आए हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। और फाद भाई, मेरी भी रिक्वेस्ट है, मुझे कब स्टंट्स सिखा रहे हैं आप? जब बोले बस ठीक है गाइज, आप मुझे स्टंट्स करता हुआ देखेंगी, और इंशाल्लाह कोशिश बहुत जल्दी। फाद भाई को हम बोल रहे हैं कि भाई हमें स्टंट सिखा दें, अली सुमरो को भी मैंने बोला था, और ये बाइक मेरी किसकी, अच्छा बाइक किसकी होगी, उस्ताद वो होगा, और पता नहीं किसका क्या क्या सामान होगा, लेकिन स्टंट्स मैं खुद करूंगी, तो सीख जाओगी इंशाल्लाह। विल पावर होनी चाहिए, विल पावर होनी चाहिए। तो गाइस मुझे दें इजाजत, इंशाल्लाह मुलाकात होगी फिर किसी नए मेहमान के साथ अगले शो पर, मिलते हैं, तब तक रखें अपना बहुत सारा ख्याल, अल्लाह हाफिज़।